हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और सबसे पहले वेलकम है चैनल दोस्तों दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करने वाले मलेशिया के डीपी 10 वीजे के बारे में दोस्तों। तो काफी भाइयों की मेरे पास कमेंट आई थी कि विकी भाई डीपी 10 वीजे के ऊपर आप एक वीडियो बनाओ, तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम मलेशिया के डीपी 10 वीजे के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों डीपी 10 वीजा होता है तीन प्रकार का दोस्तों। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट में जैसे आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, आपने डिग्री की कोई डिप्लोमा किया है और आप जॉब करना चाहते हैं मलेशिया में, तो वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है आपने कौन सी डिग्री की है उस वो आप अप्लाई कर। जैसे कि कोई आप मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं या फिर एचआर की जॉब करना चाहते हैं किसी बड़ी कंपनी के अंदर, तो आप डीपी 10 वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपकी स्टडी पे डिपेंड करता दोस्तों। सेकंड नंबर पे आता दोस्तों प्रोफेशनल वीजा। डीपी 10 वीजे को प्रोफेशनल वीजा भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप मलेशिया में आना चाहते हैं और यहाँ पर आके आप कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, और उसमें जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट करना चाहते हैं या फिर कोई मार्केट खोलना चाहते हैं, छोटी मोटी ग्रोसरी की मार्केट करना चाहते हैं या आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें आ जाती है सेकेंड पोजीशन दोस्तों डीपी 10 वीजा, जिसमें प्रोफेशनल वीजा बोला जाता है दोस्तों। नंबर तीन पे दोस्तों जैसे कि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जैसे मेडिकल अनफिट होता है और जैसे कि आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है मेडिकल की, और आप मलेशिया में आके उसका जो जैसे कि आपके कोई भी मेडिकल इनफेक्ट मेडिकल की कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में, आप उसको उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप डीपी 10 जो थर्ड है वो वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर आएंगे, आप उसमें डीपी 10 में आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड और फर्स्ट में आप आपकी क्वालिफिकेशन पे, जो फर्स्ट में क्वालिफिकेशन पे आप डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी जॉब करनी है, और सेकंड में दोस्तों सेकंड में जैसे कि आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं वो प्रोफेशनल वीजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। ये दोस्तों इसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, और इजीली आप जैसे आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो आप जो मलेशिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आपको ये वीज़ा मिल जाता दोस्तों। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लीगल है, उसमें कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिल जाता है दोस्तों। जैसे कि जो प्रोफेशनल वीजे में दोस्तों आप अपने कंपनी का नाम देना होता है, उसमें आपको कितने लेबर चाहिए है और उसमें आपको पूरी डिटेल देनी पड़ती है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं दोस्तों। तो डीपी 10 वीज़ा आप एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, महीने का टाइम लग जाता है उसमें, क्योंकि एजेंट पैसे लेता है, वो जमा करवाता है, तो एजेंट का काम ऐसा ही होता है, वो महीने तक का टाइम लेगा। लेकिन अगर आप खुद भी अप्लाई करते हैं मलेशिया की एम्बेसी में जाके जो इंडिया के अंदर है, तो आप इजीली 10 से 15 दिन के अंदर आप वीज़ा पा सकते हैं दोस्तों डीपी 10 का। फर्स्ट में मैंने बताया दोस्तों आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है अगर आप जॉब करना चाहते हैं, सेकंड में प्रोफेशनल वीज़ा आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और थर्ड जो मेडिकल इनफिट है उसमें आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं डीपी 10 वीज़ा। और दोस्तों डीपी 10 वीज़ा इजीली आपको मिल जाता है, इसकी जो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ से जो उसकी जो वीजे की फीस है 400 से 500 रिंगिट ले भी आपको पे करनी है, और 3 से 4 दिन के अंदर आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाएगा और आप इजीली वो वीज़ा पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अक्सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर दोस्तों।